हेलो। हाँ हेलो। सलाम हाँ वालेकुम। भाई, क्यों नहीं बोल लेते अभी? अरे सुबह सुबह फोन कर दे तो जुम्मे वाले दिन आदमी को नहाना हो, धोना हो, तैयारी करना हो, नमाज की है। तुम लोग वाकई में एकदम एक नंबर के जाहिल हो क्या? लाइन तो तू है, क्योंकि 12 बजे नहाता है। कल अबे मैं 12 बजे सुबह नहाऊं, नहाना चाहिए ग्यारह ना, बजे कि तुझे नहाऊं, दस काम बजे से नहाऊं, तेरा क्या जा रहा है भाई? तेरे से पूछ के नहाऊंगा क्या? ये काम जाता है ना, वो सुबह सुबह नहा लेता है। मैं नहीं तो तो आप काम लोग मेरे किया भाई करो, कितना फालतू है काम ना। किया आपके है वहां से भी है जो काम पानी है वो सुबह ही के। सुबह आता होगा, हमारे वहां 24 घंटा पानी आता है। अबे तो कितना बार जाहिल किया, 24 घंटा पानी आता, तू भी नहीं नहा पाया। वाह रे भाई वाह, अरे क्या भाई बात इसीलिए तो है। कहते हैं हमारे वहाँ 24 घंटा पानी आता है, हम कभी भी नहा लेते हैं। हम कोई इंतजार नहीं करते हैं कि सुबह नहाना है या रात को नहाना है या दोपहर को नहाना है। जब मन करे तब नहाओ, दिन में एक बार नहाओ, 10 बार नहाओ, क्या मुश्किल है? खैर बताइए आप। अच्छा ये बताइए, मैं आपका उठ सुनाता आपको, आपका ऑपरेशन होने वाला था क्या? यूट्यूब पे मैंने सुना था आपका ऑपरेशन, किसी से बात कर रहे थे तो आप बोले तो मेरा ऑपरेशन होने वाला, कोई अच्छा डॉक्टर बताओ, ऑपरेशन में करा लो, क्या हाँ बात यार है? बीमारी हो गई मुझे यार, ऑपरेशन मेरा होना चाहिए। कौन सा बीमारी होगा भाई? मेरी बीमारी एक हो गई है कि भाई मैं बुराई को होते हुए भाई मैं देख नहीं पाता हूँ, मैं उसको रोकने लगता हूँ। तो ये एक मेरे भाई लोगों को लगता है बीमारी हो गई है मैं, तो वो लोग बेचारे कहीं कसर कहीं की टांग जोड़ के मेरा ऑपरेशन करने के नाम से बहुत लंबे लंबे शो बनाते हैं, ठीक है। और उसमें मेरे भाई यही हंसी मजाक मस्करी करते हैं, टाइम पास करते हैं, और जो लोग देखते हैं वो अपना टाइम वेस्ट करते हैं। तो करने तो मेरा क्या जा रहा है भाई? अल्लाह ताला को साथ देना है ना वक्त का, कौन अपना वक्त कहाँ जाया कर रहा है। कैंसर हो गया तो मैं समझा, इसीलिए दवा का ऑपरेशन करवाना चाहती सबसे बड़ा कैंसर तो हूँ। उम्मत का मेरे भाई ये शिर्क है, बिदत है। इसको मेरे भाई ठीक करने के लिए हम इलाज कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी मेरे भाई अपने आप से ऑपरेशन हम नहीं कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कुरान हदीस से ऑपरेशन कर रहे हैं। लेकिन कुछ जाहिल लोग हैं वो खुद को मेरे भाई डॉक्टर समझने लगे हैं, और उनकी इतनी औकात नहीं है कि अपनी जो खांसी है, अपनी खांसी तो वो ठीक नहीं कर सकते और लोगों का ऑपरेशन करते हैं। तो खैर कर रहे हैं, करने दीजिए। अगर भाई हमारे नाम से किसी की दुकान चल रही है, चलाने तो भाई क्यों किसी के पेट पे लात मारना है। खैर मेरा आप बताइए साजी साहब, कुछ खैरियत? सवाल है, मेरा भाई एक सवाल है। जो जी ये अबू जहल था, तो अल्लाह के नबी को अल्लाह के नबी माना था, मेरे रसूल को अल्लाह के नबी माना था, अबू जहल? अबू जहल। नहीं भाई वो तो ईमान वाला थोड़ी ना था, वो तो काफिर था, वो तो काफिर था भाई। तो माना था या नहीं माना था, ये मैं पूछ रहा हूँ। अब काफिर का माना क्या होता है? इनकार करने वाला ना। तो क्यों इनकार किया था भाई? अब ये जाके उससे पूछो मेरे भाई, मैं कैसे बता सकता हूँ कि इनकार किया था? क्या मेरे से पूछ के इनकार किया था क्या? क्यों भाई, आप क्यों नहीं बता सकते हो? अरे भाई अल्लाह बंदे, अल्लाह ताला ने इंसानों को छूट दिए, फ्री विल दिए, वो चाहे तो मेरे भाई अल्लाह और अल्लाह के नबी की बात को माने, चाहे तो इनकार कर दे। अब ये उसकी अपनी मर्जी है ना, अब हम कैसे बता सकते हैं जितने कि उसने मेरे भाई अल्लाह क्यों का नहीं बंदा माना, है क्यों ना, इनकार शैतान किया? के बंदे हैं, तो क्यों नहीं बता सकते हो भाई? क्यों नहीं? हाँ भाई, क्यों नहीं बता सकते हो? भाई हम नहीं बता हाँ सकते, ये उसकी तो अपनी अभी मर्जी है। अब मेरे भाई बरेलवी लोग भाई अभी वो दीन में नए नए काम इजाद करते हैं, तो क्या भाई हमने उनसे कहा इजाद करने के लिए? वो उनकी अपनी ये तो मर्जी है बात ना, गलत तो सब अपनी है, बात मर्जी का गलत दीन में कुछ ना है। कुछ कर रहे हैं। जैसे अबू हनीफा का बात बता सकते हो कि वो ये नहीं करे, वो नहीं करे, आप क्यों कर 12 रबी अव्वल नहीं मनाए, आप क्यों तो मना रहे हो? अबू तो हनीफा मैं ये रहमुल्लाह वो पूछ तो रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे तो अहले सुन्नत अहले हदीस के इंसान इमाम है ना। अबू हनीफा बड़े रहमुल्लाह बड़े हनफियों के अल्लाह इमाम थोड़ी ना है, वो तो चोरी कर लिया हनफियों ने। मैं शैतान के बंदे, अगर शैतान चला सही से नाम तो ले, मैं क्या बोल रहा हूँ इसे बता दो ना, क्या क्यों नहीं माना था वो? भाई इमाम अबू हनीफा रहीमुल्ला वो अहले सुन्नत अहले हदीस थे, वो हमारे इमाम है। वो तो हनफियों ने चोरी कर लिए जबरदस्ती, उन्होंने कहा नहीं ये हनीफा हमारे इमाम है तो हम हनफी बन जा रहे हैं। नहीं, अबू हनीफा रहीमुल्ला, इमाम शाफई रहीमुल्ला, इमाम मालिक रहीमुल्ला, इमाम अहमद बिन हम्बल रहीमुल्ला, ये तमाम इमाम भाई ये अहले हदीसों के इमाम है। अब आप लोग हमारे इमाम चोरी कर करके अपने मसलक में डालते जाओ, तो उसमें हमारी क्या गलती है?
ये तो बात गलत है, आपने मुझे पूछा उसको बता ही नहीं। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ने कहीं नहीं कहा कि मैं हनफी हूँ या मैं देवबंदी हूँ या मैं बरेलवी हूँ, लेकिन इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ने ये कहा कि मैं अहले हदीस हूँ। आपका दोगलापन हो गया, आपका दोगलापन हो गया। मैं जी पूछ रहा हूँ उसको क्यों नहीं बता रहे, घूमा के दूसरा काम बात बता रहे हो। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ने भाई ये साफ साफ फरमाया कि सही हदीस मेरा मजहब है, तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अपना मजहब बता दिया, वो अहले हदीस है। अरे मैं क्या पूछ रहा हूँ, घर की बात मत बताइए, क्यों नहीं माना भाई। अबू जहल के बारे में आप जाके बरेलियों से पूछिए, क्योंकि अबू जहल के पैरोकार वो जाहिल है, आपके उन लोगों से पूछिए। मेरे से सहाबा के ताल्लुक से पूछिए, ताबई के ताल्लुक से पूछिए, तबे ताबई के ताल्लुक से। देखो मैं बरेली से पूछने नहीं जाऊंगा, आपसे पूछूंगा क्यों नहीं माना। तो आपने हम नहीं आपने क्या हमको अपना इमाम आजम मान लिया है, जो अपने मेरे भाई बरेलवी की नहीं मानेंगे हमारी मान लेंगे। मैं एक जो मुनाजरा करता है मैं उससे पूछूंगा। तो ये मुनाजरा हम क्या करेंगे भाई, हम कहाँ आपके सामने मोटे इंसान लिया हूँ। मेरी जो बात मैं बरेली से पूछ लिया हूँ, मैं क्या बोलता हूँ। अच्छा सवाल आपका क्या, सवाल किसे कीजिए। मैं तुम यही सवाल की अबू जहल अल्लाह के नबी को नबी क्यों नहीं माना था अल्लाह का। भाई देखिए इसके मेरे भाई जवाब हमने आपको दे दिया है कि अल्लाह ताला ने इंसानों को छूट दिए, फ्री विल दिए, वो चाहे तो मेरे भाई जो हक बात है उसको मेरे भाई कबूल कर ले और चाहे तो उसका इनकार कर दे। अब जितने मेरे भाई अल्लाह के नबी को परेशानी दी और आपके ऊपर वो भाई ईमान नहीं लाया, तो अल्लाह सुबहान तआला ने उसके दिल पे मुहर लगा दी, अब उसका ठिकाना जहन्नम की आग है। देखिए अब मैं तुमको कसम छिड़ा के पूछता हूँ, तुम किसी का भी कसम पाकिस्तान सच बताओ कि मैं सच बताने जा रहा हूँ कि क्यों नहीं माना था। किसी का भी अपने अम्मा का है, अपने अब्बा का है, किसी का भी कसम खा के बताओ। भाई माँ बाप की कसम खाना भाई ये शिर्क है, कसम सिर्फ अल्लाह सुबहान तआला की खाई जाती है। अरे भैया वो क्यों नहीं माना भाई, मैं कोई उसका दोस्त नहीं, मैं उससे मिला नहीं, ना मैंने कभी उससे कहा कि तुम ना मानो। अबू जहल से हमारा क्या लेना देना भाई, उसकी मर्जी, उसकी जिंदगी, उसके अमाल, वो माने ना माने, वो ईमान वाला बन जाता है या काफिर मेरे भी बन जाता है, ये उसकी अपनी मर्जी थी ना, इसमें हम क्या करें। रास्ते पे चलते हो, सुनो उसी के बताए हुए रास्ते पे चलते हो, उसी के पैरोकार अबू जहल का तुम हो यार। भाई अबू जहल के पैरोकार तो आप है, तभी आप बार बार उसकी मेरे भाई दलील मांग रहे हैं। और अल्लाह के रसूल के मेरे भाई जो ताबे हैं, जो हमारा अल्लाह कहेगा, जो हमारे अल्लाह के नबी कहेंगे हम उतना मानेंगे। अबू जहल को बीच में लाने वाले आप हैं तो जाहिल आप हो गए, और जो मुकल्लिद होता है वो जाहिल होता है। मैं तुमसे सवाल पूछने के लिए लगाया था, दोगलेपन बताने के लिए नहीं, ऐसे दोगलेपन की बात कर रहे हैं, दोगले हो गए। अच्छा भाई बताइए, अबू जहल मेरे भाई ना वो हमारे इमाम है, ना हमारे मौतिसीन है, ना हमारे भाई। अबू जहल के ताल्लुक से हमसे सवाल पूछिए भाई। अरे हम कुछ भाई, हम कुछ ठेकेदार है अबू जहल के, अबू जहल का ठेका तो आपने उठा रखा है। या तो फिर मुझसे 12 रबी अव्वल का सवाल मत पूछा करो, लिया करो हदीस कुरान से, 11वीं का 12वीं का ये भैया पूछेंगे, क्योंकि ये सब काम आप लोग कर रहे हो दीन समझ के, तो आपका दावा है तो दलील आपको देना पड़ेगा, लेकिन अबू जहल ईमान वाला था ये हमारा दावा तो है नहीं, तो आप हमसे सवाल क्यों पूछ रहे हैं। अरे क्यों, हमारे कौन से आलिम ने कहा कि जो अबू जहल था वो ईमान वाला था, बहुत बड़ा नेकोकार था, किसने कहा भाई, जो आप हमसे मतलब ये फालतू सवाल पूछ रहे हैं। ये फालतू सवाल है नहीं, बहुत बड़ा मेरे भाई दीनी सवाल है ये। अच्छा भैया ठीक है दद्दा, हम हार गए आप जीत गए, ठीक है हमको नहीं पता भाई, ठीक है ये हारने वाले की बात नहीं भाई। नहीं नहीं भाई, अब जब आप एक ही सवाल बार बार पूछे, जब मैंने बता दिया अबू जहल ने उसकी मर्जी थी, मेरे भाई खुद ईमान नहीं लाया, तो इसमें मेरी क्या गलती है। अरे नहीं गलती तो आपके उसी के बताए हुए रास्ते पर, जैसे वो अल्लाह के नबी को नूर नहीं माना आप भी नहीं मान रहे हो, वो गैब नहीं माना आप भी नहीं मान रहे, तो उसके बताए। अरे नूर तो सहाबा ने भी नहीं माना भाई, नूर तो अल्लाह के नबी ने खुद अपने आप को नहीं माना, तो क्या मान लिया अल्लाह के नबी भी, मतलब भाई उनको नहीं पता था कि वो नूर से बने। खुद नहीं माने। अच्छा भाई अल्लाह के नबी ने ये कब, मतलब भाई ये कौन सी मेरे भाई
अल्लाह के नबी की हदीस में है कि अल्लाह के रसूल ने मतलब ये कहा हो कि ऐ साहबा मुझे अपने जैसा ना समझना, मैं तो नूर से बना हूँ, नूरी मखलूक हूँ। एक हदीस मेरे भाई बता दीजिए ताकि हम भी तौबा कर लें। अबू जहल का सीधा तो आता है, अबू जहल सोचता था कि ये तो हमारी तरह इंसान है, अल्लाह ताला इंसान को कैसे नबी बना सकता है, फरिश्ते को होना चाहिए था। तो आप भी सोचते हो इंसान कैसे नबी हो सकता है, फरिश्ता होना चाहिए। तो आप खुद ही मेरे भाई अबू जहल के पैरोकार हो। सुनिएगा मेरी बात को, अबे जाहिल मेरी बात को सुनेगा भाई, आराम से बोलिए, इज्जत से बोलिए, ठीक है? आराम से बोल रहा हूँ तो चिल्ला चिल्ला के तू गला फाड़ फाड़ के बोल रहा है। अरे भाई मेरी आवाज ऐसी तो मैं क्या करूँ, मर्दों वाली आवाज ऐसी होती है चलो भाई जल्दी बताओ, फटाफट बताओ भाई, अबू जहल से आपका क्या कनेक्शन है? अबू जहल की नहीं आप मेरे भाई नस्ल तो नहीं है? आज समझ में आया बरेलवी अबू जहल की मेरे भाई आले औलाद में से है, अब समझ में आ गया। पहले बैच से आप लोग नहीं हो, आप लोग अबू जहल की मेरे भाई नस्ल के हो, तभी तो मेरे भाई जहालत करते हो, जाहिल बना सकते हो। अबू जहल के औलादों का औलाद है, हम तो अबू जहल का रद्द कर रहे हैं, हम तो उसको काफिर बोल रहे हैं। अगर हम उसके औलाद होते तो उसको काफिर बोल रहे हैं। लेकिन अब ये बता दो, तू बता आप जो अपने असली बाप का होगा, एक का होगा, सात पांच का नहीं होगा तो बता के जाएगा भैया। ये मेरे भाई फारूक खान लैपटॉप बाबा की आत्मा आपके अंदर आ गई क्या, जो मेरे भाई बदतमीजी कर रहे हैं? वो मैं गाली नहीं दिया हूँ, सच में बोल रहा हूँ, गाली नहीं दिया एक बाप का नहीं तो चार पाँच बाप का, क्या बदतमीजी है भाई? अभी आपकी बदतमीजी तो आपकी यार, हम तो माँ को अपनी माँ मानते हैं, आपकी अम्मी जान हमारी अम्मी जान है, और आप है कि मेरे भाई ऐसे इस तरीके से बात कर रहे हैं। अब जब तू ये बात बताएगा ना, जो मैं सवाल पूछ रहा हूँ उसको बता नहीं, तो मैं क्या करूँ? मैं गाली नहीं दिया, सिर्फ बता रहा हूँ, गाली नहीं दे रहा हूँ। और जो मौलाना जगदीश है ना आपका यार, उसका नंबर में पाया जाता है, उससे भी कुछ दो चार सवाल कर लेता, लेकिन मुझे नंबर नहीं मिल रहा है, आप कर देते जी? नंबर आप ढूंढ लीजिए भाई, दो चार नहीं मेरे भाई, 200-400 सवाल उनसे पूछ लीजिएगा। मौलाना जगदीश है और डॉक्टर जो करना है कहीं का नंबर मिल जाए। हम क्या कह रहे हैं, दुनिया भर को साइड में डालते हैं भाई। अरे मेरे प्यारे भाई सुन लीजिए, हम ये कह रहे हैं आपका ये मानना है कि अल्लाह के नबी भाई वो नूर से बने थे, हमारा मानना है कि अल्लाह के नबी इंसान थे। मेरा मानना अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह नूर भी थे बसर भी थे मैं मान रहा हूँ और मानूंगा। चलिए ठीक है, आपका मानना ये, हमारा मानना ये है कि अल्लाह के नबी। अच्छा भाई सुन तो लीजिए, प्यार से बात कर रहे हैं, बात समझिए, फोन काटेंगे नहीं इंशाल्लाह, ठीक है? थोड़ा हमारा सुन लीजिए, थोड़ा आप अपनी मेरे भाई सुना लीजिए, वरना आपको अकेले बोलना है तो कोई फायदा नहीं है, फोन भाई हम काट देते हैं, ठीक है? हाँ भाई हम ये कह रहे हैं, देखिए आप कह रहे हो कि अल्लाह के नबी भाई वो नूर से बने थे लेकिन वो इंसान के रूप में आए दुनिया में, और हम ये कह रहे हैं कि अल्लाह के नबी भाई वो नूर थे लेकिन भाई वो नूर से बने हुए नहीं थे। अल्लाह के नबी भाई वो नूर थे, सच्चाई के, ठीक है, तौहीद के, हिदायत के नूर थे, लेकिन वो नूर से बने नहीं थे, वो इंसान थे। तो ये हमारा मानना है। वो सब अभी सब इंशाल्लाह आपको बता रहे हैं, ठीक है? तो अब मेरे भाई आप में और हम में मतलब भाई क्या हो गया, इख्तलाफ हो गया। तो अब इख्तलाफ को दूर करने के लिए जो ये अबू जहल है, इनका क्या मानना था ये भाई? ये ना मतलब भाई आपके लिए हुज्जत होना चाहिए और ना हमारे लिए हुज्जत होना चाहिए। अल्लाह सुबहान व तआला फरमाता है कुरान में सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत 59 में कि जब आपस में इख्तलाफ हो जाए तो वापस जाओ अल्लाह और अल्लाह के नबी के पास, ठीक है? तो आप देखते हैं कि अल्लाह ताला ने कुरान में क्या कहा है कि अल्लाह के नबी इंसान थे या नूर थे या नूर से बने थे या आधे नूर थे आधे इंसान थे, तो ये इंशाल्लाह देख लेते हैं, ठीक है? तो अल्लाह सुबहान व तआला ने मेरे भाई कुरान में कहा सूरह अल अंबिया सूरह नंबर 21 आयत नंबर 7 में कि आपसे पहले हमने जितने भी पैगंबर भेजे सभी इंसान थे जिनकी तरफ हम वही उतारते थे, बस तुम अहले जिक्र से पूछ लो अगर तुमको इसका इल्म ना हो तो। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुबहान व तआला ने साफ साफ एकदम बता दिया कि आपसे पहले जितने भी पैगंबर हमने भेजे सभी इंसान थे, ठीक है, बशर थे। तो ये बात मेरे भाई साबित हो गई। अब मेरे भाई दूसरा देखते हैं, ठीक?
अल्लाह सुभान व तआला फरमाता है सूरह कहफ, उसकी आयत 310 में। मेरा दो सुनोगे, एक आयत सुन लीजिए, उसके बाद आप आराम से मेरे पास बताइएगा। ठीक, एक आयत तो सुन लीजिए मेरे प्यारे भाई। अल्लाह सुभान व तआला फरमाता है सूरह कहफ की आयत 110 में, ए नबी कह दीजिए कि मैं तो तुम जैसा ही एक इंसान हूँ। हाँ, मेरी जानिब वही की जाती है कि सबका जो माबूद है वो सिर्फ एक ही माबूद है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह ताला ने अपने नबी से साफ साफ मेरे भाई कहलवा दिया कि ए नबी कह दीजिए कि मैं तो तुम जैसा ही इंसान हूँ, तुम जैसा इंसान हूँ। आप कहते हो ना नबी हमारे जैसे नहीं है, तुम जैसा इंसान हो। तो इंसानियत के मामले में वो हमारी तरह थे, लेकिन जो मेरे भाई जो उनका मर्तबा था, अहमियत थी, वो अल्हम्दुलिल्लाह सबसे हाई फाई थी। अल्लाह के नबी के मर्तबे में तमाम इंसान भी मेरे भाई जमा हो जाएंगे, एक नबी के मुकाम पे वो नहीं पहुंच सकते। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कुरान की आयतों से साबित कर दिया कि अल्लाह के नबी वो इंसान थे। अब आप साबित कर दो कि वो नूर से बने थे। अब ये बताइए, तुमने इतना बताया, मेरा भी सुनोगे। जब मैं सवाल पूछा था, मैं सवाल पूछा था कि ये कुरान हदीस पूछा था कि मुझे पढ़कर बताओ। भाई हम तो मेरे भाई जब भी बताएंगे कुरान से बताएंगे, हदीस से बताएंगे। जितना मैं पूछा था उतना बताओ, इतना मैं नहीं। अरे अब हमारे लिए दलील थोड़ी ना है। अरे वो आपका अब्बा है ना, मैं इसे अपने मेरा कोई अब्बा का नहीं है भाई। मेरे अब्बा तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सामने मौजूद है। को मेरे भाई कितना अब्बा बना दिया नहीं। अबू जहल आपके क्या है? कुरान है, हदीस है, इजमा है, कयास है, आपके इमाम है। अबू जहल है क्या आपके लिए जो आप उसको बीच में ला रहे हैं? मतलब अब ये मेरे भाई नौबत आ गई है बरेलवी की, उनके पास मेरे भाई कुरान हदीस इजमा कयास सब मेरे भाई खत्म हो गया। अबू जहल की दलील अब मेरे भाई बीच में ला रहे हैं। अस्तगफुरुल्लाह, अस्तगफुरुल्लाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरे भाई क्या आपकी अकल अकल है कि नहीं? आज मैं ये पूछ, अबे आपकी अकल है कि नहीं? जैसे तू कहा था ना, तू नहीं भैया माना था। अभी मैंने आपको बताया कि अल्लाह ताला ने कहा है कि जब आपस में इख्तलाफ हो जाए तो वापस हमको लौटना पड़ेगा अल्लाह और अल्लाह के नबी की तरफ। अबू जहल की तरफ हमको नहीं लौटना है। मैं आपको सीधी राह पे ला रहा हूँ मेरे प्यारे भाई। अबू जहल की तरफ आप क्यों जा रहे हैं? अब्बू खान मैं तुमसे कितने सवाल किए अगर आपने मेरे पे लगा दिया तो गाड़ी पीछे ही जाएगी। पहली बात तो ये मेरे पे बैग गियर आप हटाओ, आगे बढ़ने की कोशिश करो। सुनिए, अंडर गियर का मैंने पूछा, उसका नहीं जवाब दिए। सब जवाब दे चुके हैं भाई, अब आपको आता नहीं है तो हम क्या करें भाई? अब एक ही सवाल आप 50 बार पूछोगे तो ही ना देंगे? कितना बड़ा दोगला इंसान है तू, ये बाहर नहीं दिया। जो बच्चा बच्चा आलम दीन तू बताया था उसका, अल्लाह सुभान व तआला फरमाता है सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 93 में, आप कह दीजिए कि जो मेरा परवरदिगार है वो पाक है, मैं तो सिर्फ एक इंसान ही हूँ जो रसूल बनाया गया हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, नबी ने खुद कह दिया कि मैं तो सिर्फ एक इंसान ही हूँ, सिर्फ इंसान ही हूँ। यहाँ पे नूरी मखलूक का मेरे भाई रद्द हो गया। अब अगर कोई जाहिल कहेगा कि वो आगे नूर थे, आगे बचत थे, पहले नूर थे बाद में इंसान बने, तो समझ लो वो सबसे बड़ा झूठा मकड़ा चलता है दुनिया का। भैया हम अपनी बात नहीं कह रहे हैं, हम तो भाई आपको हवाला दे रहे हैं अल्लाह सुबहान व तआला की बात का। अल्लाह सुबहान व तआला ने फरमाया सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 93, आप जाके खोल कर पढ़ लो, आला हज़रत का तर्जुमा पढ़ लो, उसमें लिखा हुआ है आप कह दीजिए कि जो मेरा परवरदिगार पाक है, मैं तो सिर्फ एक इंसान ही हूँ जो रसूल बनाया गया हूँ। तो नबी खुद कह रहे हैं मैं इंसान हूँ, रसूल बनाया गया हूँ। उन्होंने कब कहा? नबी ने कब फरमाया कि मैं तो नूर से बना हुआ हूँ लेकिन मैं रसूल बना दिया गया हूँ? कब कहा भाई? ये क्यों झूठ बोलते हो नबी के ऊपर? अरे दोगले की तू इतना बड़ा कमीना, जो तेरे आलिम लोग बोलते हैं कि वो दोगला है, आराम बहर है, वो सवाल जो पूछे उसका मेरा वो बताया कि बच्चा बच्चा आलिम है दीन, उसके उससे तुम्हारे आलिम ने बता दिया कि वो जाहिल है, बहुत बड़ा जाहिल है। मैं अल्लाह अकबर, अल्लाह मेरे भाई आपको मैं कुरान पेश कर रहा हूँ और आप है कि दुनिया भर की इधर उधर की बात कर रहे हैं, तो कुरान का आपको ईमान नहीं है? मुझे मालूम है बरेलवियों के मेरे भाई खिलाफ सारी की सारी मेरे भाई कुरान है, इसलिए बरेलवी कुरान को ना देखना पसंद करते हैं, ना पढ़ना पसंद करते हैं, ना उसको सुनना पसंद करते हैं। अच्छा
जो कुरान और हदीस पढ़े होते तो आप बता नहीं देते कि अबू जहल ने क्यों नहीं माना। ये बता दीजिए, अल्लाह सुब्हानहु तआला ने सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत 128 में कहा है कि बेशक तुम्हारे पास बेशक तुम्हारे पास एक रसूल आए हैं जो तुम्हारी जिंस से हैं, तुम्हारी जिंस से हैं। किसकी जिंस से? इंसानों की जिंस से हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, नूरी मखलूक का रद्द हो गया। अभी मैं कुरान की आयतें खाली पेश करने लगूंगा हवाले, तो आप मेरे भाई आप पागल हो जाओगे। और अभी अल्लाह के नबी की हदीसें बाकी हैं, सहाबा का कीदा बाकी है, अल्लाह के नबी की बीवियों का कीदा बाकी है, उम्मत की माओ का कीदा बाकी है, वो भी चार अइमा का जो मेरे भाई जो उनका मसला वो बाकी है। अभी कहाँ कहाँ से आप लोगों आपने मैं सवाल ही पूछा था, वो तुमने फौरन बता रहे थे कि क्यों नहीं माना था, लेकिन आप बता ही नहीं रहे हो भाई। भाई अबू जहल था जाहिल, ठीक है, उसके पास मेरे भाई हक आया और हक आने के बावजूद उसने हक का इनकार कर दिया, इसलिए वो हो गया काफिर। और एक काफिर की मेरे भाई दीन इस्लाम में कोई दलील नहीं मानी जाती है। हम कुरान हदीस पेश करने की बात कर रहे हैं, आप हैं कि अबू जहल अबू जहल अबू जहल अगर इतने प्यारे हैं आपको तो उनको गोद में लेके मेरे भाई आराम से भाई शीशी के अंदर दूध दूध भर के उनको पिलाओ ना बैठा के, मेरा क्या जा रहा है? अरे मैं राज्य में जो पूछ रहा हूँ उसको बताना है, क्यों नहीं बता रहे? इधर उधर की बात बताते यार, मैं जो पूछ रहा हूँ इधर उधर की बात। अस्तग़फ़िरुल्लाह, कुरान का अल्लाह सुब्हानहु तआला का कलाम कह रहा है, इधर उधर की बात? इतना बड़ा कुफ्र कर दिया तुमने, अल्लाह की बात को इधर उधर की बात का? अल्लाह सुब्हानहु तआला सूरह आराफ की आयत नंबर 204 में कहता है, जब कुरान पढ़ा जाए तो गौर से सुनो और खामोश रहो, और तुम कुरान को कह रहे हो इधर उधर की बात? अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह। अरे साजिद भाई, ये तमाम बरेलवियों से बात करते हैं ना, मेरा खून खोल जाता है कि कुरान कितने बड़े मेरे भाई दुश्मन, नबी कितने बड़े मेरे भाई दुश्मन। भाई कहीं पीर बाबा को बचाने के चक्कर में अल्लाह और अल्लाह के नबी की तौहीन मेरे भाई तुम लोग ना कर देना। सुनेगा मेरी बात को, मेरे बात को सुनेगा डोगले? अरे भाई बोलो ना, मेरे से पैदा हुए थे क्या बताओ? बकबक करके पैदा हुआ था तू? नहीं भाई, तो कुरान मेरे भाई पढ़ रहे हैं, अब कुरान को मेरे भाई आप बकबक कहोगे तो अस्तग़फ़िरुल्लाह, आपके ऊपर अल्लाह का अज़ाब नाज़िल होगा। मैं नहीं, तू चिल्ला के पैदा हुआ था कि मैं पैदा होने जा रहा हूँ? पूरे हिंदुस्तान को चिल्ला के पैदा हुआ था, ये बता। चल भाई, जुमे की नमाज का टाइम होने वाला है, 2 मिनट बाकी है, जो आपको कहना है कह लो भाई, जितनी गालियाँ आपको देना है दे लो। सुनो, नहीं गाली मैंने दे रहा हूँ, गाली मैंने दे रहा हूँ, गाली की बात नहीं है। ये तो आपके सामने होगा भाई, आपके लिए होगा, मेरे लिए नहीं। गाली है, गाली मैं पूछ रहा हूँ, मैं गाली दे रहा हूँ, मैं तो सब पूछ रहा हूँ कि भाई बताइए, आप बताइए रहे हो, बोल तो गाली। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वो लोगों को कुरान पढ़ के सुनाते थे तो लोग मेरे भाई चिल्लाने लगते थे, इधर उधर की बात करने लगते थे, अल्लाह के नबी को उल्टा सीधा बोलने लगते थे। उसी तरीके से आज हम आज अगर हम अल्लाह की बात मेरे भाई लोगों को बताएंगे तो लोग कहेंगे कि इधर उधर की बात ना करो और चिल्लाने लगेंगे, तो ये तो होता ही है मेरे भाई, हर दौर में सबके साथ होता है। वो तो चिल्ला के भागता था, सच बताया कि वो चिल्ला के भाग, जब वो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर बात बता रहे तो चिल्ला के भाग लिया करता था। ये तो आपने तुमने एक बात और जाहिर कर दिया कि हाँ चिल्ला के भाग लेते, क्योंकि हर बात मैं नहीं सुनने वाला हूँ, ये तुमने साबित कर दिया। चलो ठीक है, और तो ये भी अरे तो हक बात क्या है मेरे भाई, हक बात कुरान की है या अबू जहल की है? मतलब तुम किसको हक मानते हो, जाहिल आदमी? मैं कह रहा हूँ कुरान पे आ जाओ, आपस का जो इख्तलाफ है, इख्तलाफ मेरे भाई तभी मेरे भाई दूर होगा जब वापस हम लोग अल्लाह और अल्लाह के नबी के पास भाई हम लोग जब आ जाएंगे, लौट जाएंगे। और तुम बार बार कह रहे हो अबू जहल क्या करता था, अबू जहल काफिर क्यों हो गया, अबू जहल ने क्यों नहीं अल्लाह के नबी को माना? अरे अबू जहल से हमको क्या लेना देना? वो अबू जहल ने अगर अल्लाह के नबी को नहीं माना तो क्या माज़ अल्लाह के हमारे नबी की पहचान में कोई मेरे भाई फर्क पड़ गया? हमारा भाई, हमारे अल्लाह के रसूल तो पहले भी सबसे आला थे, आज भी सबसे आला है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह के बाद अल्लाह के नबी का मुकाम है हमारे लिए। ये बताओ, हेलो, बोलो भाई, बता तुम अपने अब्बा को मुनकर नहीं मानते हो? जिसे आप बताते थे मुझसे अबू जहल से क्या लेना देना था, अपने अब्बा से लेना देना नहीं रखते हो भाई? नहीं आई थी आप मेरे भाई
पागल हैं, ठीक है, सबसे बड़ा जाहिल बदतमीज हैं, हाँ पागल जाहिल हैं, कितना बड़ा ठीक। होता तो तू है जितना पहुंचा उसको आप बताना एक यार, काम तू ही कीजिए, बात आप कर मेरे रहा भाई, कोई फिर क्यों कौन मेरी पूछे बात तेरी सुन। बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं, तो आपके जैसे हजार कुत्ते ये तो फिरते ठीक हैं, हजारों कुत्तों का मेरे भाई भौंकना काम है, आप लोग भौंकते रहिए, तुम्हारा, मैं चला नमाज हाँ पढ़ने, चिल्लाना काम, अस्सलाम वाला मन चिल्लाना इस्तेमाल होगा। काम, हाँ चिल्लाना
 हाँ।